खबर अल्मोड़ा से है, जहां जनपद में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश अब परेशानी का सबब बन गई है। बता दें कि रविवार को हुई भारी बारिश के कारण शहर के त्यूनरा गोपाल धारा में एक आवासीय मकान गिरने की कगार पर है। वहीं आवासीय मकान में आई बड़ी दरारों को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षा कारणों से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं बता दें कि सूचना मिलने के बाद नगर निगम की टीम ने मौके का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दी है। रविवार सुबह त्यूनरा गोपाल धारा निवासी मंजू अरोड़ा के आवासीय मकान की नींव हिल गई, जिससे नींव की सुरक्षा दीवार पूरी तरह ढह गई। वहीं खतरे को भांपते हुए भवन में रहने वाले लोगों ने एहतियात बरती और अपने पड़ोस में ही एक भवन में शरण ली। बता दें कि वहीं सूचना मिलने पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। भवन स्वामी को अन्यत्र शिफ्ट होने की सलाह दी गई है, साथ ही साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। लगातार बारिश के कारण मेरा मकान में दरारें भी आ गई हैं और नीचे की वॉल पूरी गिर गई है, जो काफ़ी रिस्की हो गया है। मैंने मकान तो खाली कर दिया है, लेकिन परेशानियां भी है। मैंने आपदा वालों को भी सूचित किया था, वो लोग भी आके देख गए हैं। क्या सामान उसमें ऐसा था? बैटरी की मशीनें हैं और घर का पूरा सामान है, बैटरी की काफ़ी सामान है। आज अत्यधिक अतिवृष्टि के कारण ये त्यूनरा में हजारों वालों की बिल्डिंग के पास मंजू अरोड़ा की बिल्डिंग के नीचे की दीवार गिर गई है, जिससे भवन को भी काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। वर्तमान समय में उनसे हमने कह दिया कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, वो बगल में दूसरी बिल्डिंग में उनकी है, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और ये बिल्डिंग लगभग खतरे के हिसाब से चल रही है। इसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। आसपास के लोगों से कम अपनी सुरक्षा बनाए रखें करके कहा गया है और इनसे बिल्डिंग वर्तमान समय में खाली करने के लिए पालिका द्वारा कहा गया है। बिल्डिंग को किस तरह से नुकसान हुआ है? बिल्डिंग की नीचे की जो फाउंडेशन की दीवार है वो पूरी गिर चुकी है और उसमें काफ़ी दरारें भी आ गई हैं जगह जगह। अंदर फर्श भी, टाइल भी उसके टूटे हैं। काफ़ी जो दीवारें हैं, फर्श है, जमीन काफ़ी नीचे धस चुकी है। तो इनको शिफ्ट किया जाएगा? ये शिफ्ट हो गई है, अभी वर्तमान में उनकी दूसरी बिल्डिंग में है, बगल में वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें कोई बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की देखो, आपदा में से इनका कैसे मुआवजा देता है, क्या देता है, ये उसके पुटअप करेंगे, उसी के हिसाब से आगे का।